कापरेडा जैन तीर्थ मंदिर। यह मंदिर जोधपुर और बिलाड़ा के मध्य जोधपुर जयपुर हाईवे पर स्थित है। जोधपुर से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। यह श्वेतांबर जैन मंदिर है जिसकी अपनी एक अनूठी विशेषता है। इसके बारे में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं मंदिर के आंतरिक भाग। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे खंभे हैं। ये खंभों के बारे में ये कहा जाता है कि इन खंभों की गणना करना मुश्किल है, दैट मीन्स इन खंभों को गिनना बहुत मुश्किल है। ये कहा जाता है कि जितनी बार गिनोगे ये आपके अनगिनत आएंगे, या फिर तो आप इनकी गिनती कर नहीं सकते, या फिर आप गिनोगे तो भी आपकी गिनती सदैव गलत आएगी। यहाँ छोटे छोटे शिलालेख लिखे हुए हैं जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है, इसीलिए इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया नक्काशी की हुई है। नक्काशियों के साथ साथ आप हर एक खंभे हर एक बनावट को देखेंगे तो मंदिर के आपको छवि एक अलग ही रूप में दिखाई देगी। मंदिर को देखने पर आपको ये प्रतीत होगा कि कितनी बारीकी से यहाँ काम किया हुआ है, कितनी तरीके तराशा हुआ इस मंदिर को। तो हम लोग इसी जैन मंदिर को और भी कुछ बताते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हर एक खंभा एक भगवान को दर्शाता है। अगर हम लोग और आगे तक जाएं इस मंदिर में तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर सीधी रेखानुमा खंभों की आकृति, और हम लोग यहाँ पर मंदिर में और चीज़ें देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि यह मंदिर किसी के स्वप्न में आया था। और भी बहुत सारी प्रचलित कथाएँ हैं कि कोई कहता है कि यह मंदिर उड़ता हुआ आया था, जिसे किसी संत महात्मा ने देख के अपने यहाँ रोक लिया कि अब यह मंदिर यहीं रहेगा। तो पुरातन विभाग की माने तो यह मंदिर करीबन 500 वर्ष पुराना है, 500 से अधिक वर्ष पुराना। इतनी प्राचीन चीज़ें आपको यहाँ पर धरोहरें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आप इसको विशिष्ट तौर पर देखिए और एक बार जरूर यहाँ आइए। अगर आपको ये अगली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।